हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर। तो हमें एक फिगर दी है, इसमें हमें बहुत सारे रेजिस्टर्स दे रखे हैं और पी और क्यू के अक्रॉस हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मिरर सिमेट्री मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट हम एक सिमेट्री बना लेते हैं, मिरर सिमेट्री। लेट्स कर लो कि यहाँ पे एक मिरर है। तो मिरर सिमेट्री का कैसे यूज़ होता है कि मान लो पी से एक आई करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर वो आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, आई वन, आई टू और आई थ्री। ठीक है, अब मिरर सिमेट्री क्या कहता है, जितना करंट इस रजिस्टर के अक्रॉस पास कर रहा है उतना ही इसके नेक्स्ट वाले में से पास करेगा। सेम ऐसे ही आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर के बीच में करंट जो फ्लो कर रहा है वो सेम करेगा। ऐसे ही नीचे वाले 2R और 2R में करंट सेम फ्लो करेगा। तो होगा क्या यहाँ से कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सीरीज़ के अंदर। ठीक है, ऐसे ही ये कॉम्बिनेशन भी सीरीज़ में हो जाएगा एंड ये कॉम्बिनेशन भी सीरीज़ में हो जाएगा, और ये तीनों के तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 4R, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4R। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू। तो तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ये हो जाएगा 1/R ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1/4R प्लस 1/2r प्लस 1/4R। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 4R इंटू 2R। ठीक है, तो ऊपर आपके पास आता है फिर 2R प्लस 4R प्लस 2R। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके ये हो जाएगा 4R प्लस 4r अपॉन में 4R इंटू 2R। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/RPQ इज इक्वल टू 4R प्लस 4r अपॉन में 4R इंटू 2R, दैट इज इक्वल टू, ऊपर से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 इंटू आर प्लस आर अपॉन में 4R इंटू 2R। तो ये 4 से 4 कैंसिल होता है एंड फाइनली हमारे पास रिजल्ट आता है R प्लस आर अपॉन 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल R। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू आ जाएगा 2R इंटू स्मॉल R अपॉन में कैपिटल R प्लस R। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो भाई ये ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। I hope you will understand this question.